मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सभी नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारत के उन वीर क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निशावर कर दिया, जीवन के अंतिम श्वास तक वो बाल थे, किशोर थे, किशोरियां थीं, युवा थे, युवतियां थीं, हर आयु वर्ग के लोग अपने आखिरी क्षण तक भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, उसकी प्रतंत्रता की बीड़ियां काटने के लिए, एक एक क्षण उसी के लिए जिए और उसी के लिए कट गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेल की अमानवीय पाश्विक यातनाएं सहते रहे, काला पानी जैसा नारकीय जीवन व्यतीत करने पर सरकार की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से विवश कर दिए गए, लेकिन उफ तक नहीं किया। और असल में जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया उनको इतिहास में कहीं नहीं दिखाया गया, और जिनके लिए बताया गया कि हमें नेहरू और गांधी ने आज़ादी लेके दी है, इससे बड़ा कोई क्रूर मजाक और हो नहीं सकता। कांग्रेस ने लेके दी है, सर ए ओ ह्यूम, कांग्रेस इसलिए बना रहे थे कि उनको कांग्रेस को उनको आज़ादी देनी है, अपनी सुरक्षा कवच के लिए बना रहे थे। चलिए, इन बातों को मैं तथ्यों के साथ हमेशा हर वीडियो के अंदर रखता आया हूँ, परंतु इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कि उन सब महान क्रांतिकारियों को हम पुनर्स्मरण करें, श्रद्धांजलि दें, श्रद्धा सुमन भेंट करें और आज की पीढ़ी को उनका परिचय कराएं, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनकी जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, हर प्रकार की कठिन से कठिन सजा अपने ऊपर लेते हुए, भोगते हुए, सहते हुए, मुकाबला करते हुए भारत माँ की स्वतंत्रता का लक्ष्य अपने सामने रख करके उस समर के अंदर समाप्त हो गए। उन सब लोगों को स्मरण करना इस चैनल का लक्ष्य है। मेरी आपके पास 334 के आसपास वीडियोस पहुंची हैं और अधिकांश क्या 95% वही लोग मैं आपके सामने ला रहा हूं जो जिनको कोई नहीं जानता और देश की आज़ादी के लिए सब कुछ लुटा गए। अभी 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का तो एक लगातार मैंने आपके सामने श्रृंखला रखी है, लेकिन अभी कुछ दिनों से 1757 से 1857 इन 100 वर्षों में भी सशस्त्र क्रांति की चुनौती अंग्रेजों को देने वाले भारत माँ के सपूत कोई कम नहीं थे और अद्वितीय साहस और वीरता के प्रतीक शिखर पर बैठे हुए वो महापुरुष, उन्हीं में से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक का नाम मैंने पिछले दिनों उसका पार्ट वन मैंने दिया था, उइलावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, उइलावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक अविस्मरणीय नाम अपने पराक्रम और शौर्य से 1846 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाकर अपने देश और जनता के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाला, उस संग्राम के अंदर बलिदान होने वाला और उसके एक लंबे संघर्ष की कहानी मैंने आपके सामने रखी थी कि किस प्रकार उनके जीवन की घटनाओं को अगर हम सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि इतिहास में नरसिम्हा रेड्डी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। इतिहास के अंदर उनका नाम नहीं आया तो भी वो स्वर्णिम पृष्ठ किसी न किसी के हृदय के ऊपर अंकित है।
ऐसे कमाल के शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे इस प्रतीक नरसिम्हा रेड्डी को जानने के लिए हमारे अंदर और उत्सुकता है। तो पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बताया था कि कैसे जागीरदार और किसानों को कंपनी सरकार ने दरिद्र बना दिया था, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1843 नए उत्तराधिकार कानून को भी जनता पर आरोपित कर दिया। इससे भी नरसिम्हा रेड्डी दुखी थे, परेशान थे, सारी जागीरें छीन ली गई थी, बस लग पड़े थे संगठन बनाने। 5,000 अपने जैसे लोगों को, अपने साथियों को, अपने अनुचरों को, एक 5,000 लोगों की एक सेना का गठन करके विप्लवकारी क्रांतिकारी गतिविधियों की रूपरेखा बनाई जाने लगी थी। 7 जुलाई 1846 के दिन 5,000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर नरसिम्हा रेड्डी ने चागलमर्ती तालुका के रुद्रावरम गांव की पुलिस चौकी पर आक्रमण कर दिया। मिट्टपल्ली के पास पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने वहां उपस्थित एक दफेदार जो उनको बोला जाता था, कोई रैंक होगा, और 9 पुलिस कर्मचारियों को मार गिराया। 10 जुलाई दोपहर 12 बजे का समय कोयलकुंटा कोषालय में ट्रेजरी में नरसिम्हा रेड्डी ने दिन दहाड़े डाका डाला, और रकम सुनिए जरा कितनी थी, 805 रुपए 10 आने और 4 पैसे लूट लिए। आपको लगता होगा कि ये भी कोई डाका था, लेकिन उस समय 805 रुपए का मतलब क्या है ये समझने के लिए 1843 में जाना होगा हमें। और सबके सामने अपनी नंगी तलवार घुमाकर वो तहसीलदार राघवचारी, जब सारी जगीरें छीन ली गई थी तो मजाक के लिए, इनको चढ़ाने के लिए छोटी सी पेंशन इनके लिए तय की गई थी, उस पेंशन को ले जाने के लाने के लिए एक अपने अनुचर साथी को वहां भेजा, तो राघवचारी ने जितना अपमानजनक शब्दों से बिना पेंशन दिए उनको वापस लुटाया। इनके मन में, दिमाग में बदले की भावना चल रही थी। हाँ, कुछ टेक्निकल गड़बड़ के कारण बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ। नरसिम्हा रेड्डी, उनके जीवन को हम आगे बढ़ते हुए बढ़ाते हुए कैसे वो संघर्ष कर रहे थे और कैसे उन्होंने वो तहसीलदार राघवचारी का सिर काटते हुए और खजाना लूटते हुए, खजाने का नंबर मैंने सम बता दिया, अमाउंट बता दिया, आपको हंसी भी आई होगी, लेकिन उस समय 805 रुपये 10 आना और 4 पैसे बहुत बड़ा अमाउंट था। एक और ट्रेजरी ऑफिसर थे कोषाधिकारी थॉमस एडवर्ड का भी शीश मुंडन कर अंग्रेजों को अपनी अगली मुठभेड़ की चुनौती भरी सूचना देता हुआ नरसिम्हा राव अपने घोड़े पर फरार हो गया। नरसिम्हा रेड्डी के इन कार्यों से अंग्रेजों को अपने पैरों के नीचे से जमीन सिसकती नजर आने लगी। उनकी नाक में दम हो गया, बुखला गए, और उन्हें पकड़ने के लिए नए नए पैंतरे अजमाने लगे। कड़पा के कलेक्टर को सिफारिशें भेजी गईं, लेकिन अचानक फिर एक झटका लगा। अगले कुछ दिनों में प्रोदटुरु के निकट दुबरू के खजाने को लूट लिया गया। अंग्रेज अब सजग हो गए, नरसिम्हा रेड्डी की गतिविधियों पर कड़ी नजर निगरानी रखी जाने लगी। अगले मुठभेड़ में उसके ठिकाने की खबर पाकर अंग्रेज सेना
इकट्ठी होने लग पड़ी थी। उसका पता ही नहीं चलता था, आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह चला जाएगा। लेकिन अंग्रेज सेना जब जम्मल मुडगू पहुंची और उस समय नरसिम्हा रेड्डी को उनके आने की खबर पहले ही मिल गई थी। वे अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ अहोबिलम के जंगलों में छिप गए। अहोबिलम के जंगलों में रेड्डी को ढूंढना बड़ा दुष्कर था, कठिन था। कंबम के तहसीलदार को लेकर कैप्टन रुद्रावरम के पास रेड्डी की प्रतीक्षा कर रहा था। वो जो राघव चारी का सिर काटा था, उसके मन में बदले की भावना लेकर के पहुंचा था ये अंग्रेज ऑफिसर। विद्रोही दल गुत्ती कनुम से होती हुई मुंडल पांडू पहुंची। कोत्ता कुट्टा का एक खंडर किला उस रात नरसिम्हा रेड्डी का अस्थाई निवास बन गया। जंगली रास्तों की ठीक जानकारी ना होने के कारण अंग्रेजों की सेना निराश होकर लौट आई। नरसिम्हा रेड्डी तीर की तरह आते थे और कुछ ही क्षणों में सब कुछ तहस नहस कर लक्ष्य को अंजाम देकर गायब हो जाते थे। उनकी इन उग्र गतिविधियों से अंग्रेजों का सिर चकरा गया। वे उन्हें चोट पर चोट दे रहे थे, नरसिम्हा रेड्डी अंग्रेजों को। उनकी दलेरी, उनका साहस, उनके आगे फिरंगी भी भयभीत होने लगे थे। उनकी तलवारबाजी का कोई सानी नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई। नरसिम्हा रेड्डी को बंदी बनाए जाने के लिए योजनाएं बनाई जाने लगी। कलेक्टर कॉकरेन ने नरसिम्हा रेड्डी को नोसोमू में छिपा जानकर तक उसी समय नोसोमू किले पर दावा बोल देने का आदेश जारी कर दिया। ब्रिगेडियर वाटसन को यह जिम्मेवारी सौंपी गई। लेकिन नरसिम्हा रेड्डी रणनीति में निपुण थे। उन्होंने पहले ही अवकू के राजा नारायण राजू की सहायता लेकर शस्त्र तैयार करवा लिए थे और नोसोमू किले के चारों ओर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रातों रात खाइयां खुदवा दी थीं। किले की दीवारों से ब्रिटिश सैनानियों पर उबलते हुए तेल उढ़ेलने की भी व्यवस्था कर ली गई थी। सामना हुआ, मुकाबला हुआ, दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गईं। नरसिम्हा रेड्डी की रण कुशलता के सामने फिरंगी सेना के छक्के छूट गए। वाटसन के प्राण संकट में पड़ गए। वह मैदान छोड़कर भागने लगा, लेकिन नरसिम्हा रेड्डी ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसकी तलवार, नरसिम्हा रेड्डी की तलवार आकाश में पवन वेग से लहराती हुई आई और वाटसन के शरीर के दो टुकड़े हो गए। युद्ध के मैदान में नरसिम्हा रेड्डी कभी भी छुपकर वार नहीं करते थे। सीना तानकर तलवार को हवा में लहराते हुए वे दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। इस घटना ने अंग्रेजों का दिल दहला दिया। अब गुप्त रूप से उनकी खोज आरंभ की गई, लेकिन वे अपने ठिकाने तत्काल बदल दिया करते थे। दलों को भी छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया जाता था और अलग अलग स्थानों में छिपाया जाता था। एक ही जगह पर रहने से पकड़े जाने का खतरा हो सकता था। उसे पकड़ना अंग्रेजों के लिए असंभव सा प्रतीत हो गया था। उसकी बहादुरी के आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त हो रहे थे। हर बार वे मुंह की खा रहे थे। उनकी सारी योजनाएं असफल हो रही थीं। एक तो वह दिलेर योद्धा थे, साहसी, हिम्मती, कमाल के बहादुर व्यक्ति थे, और उस पर सोने पे सुहागा के नरसिम्हा राव रेड्डी के को आसपास के गांव की जनता का पूरा सहयोग समर्थन प्राप्त था।
वे जनता के जननायक बन चुके थे, उनके लिए वे अपने प्राण देने के लिए भी तत्पर हो जाते थे। गांवों में उनकी वीरता की कथाएं गाई जाने लगीं, लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे थे। उसकी पौरुष गाथा लोक गीतों का माध्यम बन जन जन के कंठों का हार बन गई थी। आदिवासियों के संपर्क में रहने के कारण वे जंगली रास्तों से भी भलीभांति परिचित हो गए थे। जिनकी पहुंच अंग्रेजों तक नहीं थी, आदिवासियों की, उन्होंने छापा मारी युद्ध कला भी सीख ली थी, इसलिए वे उनकी पकड़ में आ ही नहीं रहे थे। अब उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने जालसाजी और षड्यंत्र का सहारा लेने की योजना बनाई। कर्नूल में तुंग भद्रा के समीप ब्रिटिश कार्यालय में एक आपातकालीन गुप्त बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहा था कैप्टन नार्टन, जो वाटसन की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न रिक्त पद पर नियुक्त किया गया था। कर्नूल कैप्टन रसेल, मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर जोसेफ, गवर्नर एजेंट डेनियल इस बैठक में मौजूद थे। सबने मिलकर सलाह मशवरा किया और घात लगाकर नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ने की योजना बनाई। सबसे पहले आवश्यकता थी गांव वालों के विश्वास को तोड़ने की और उनकी एकता में फूट डालने की, क्योंकि जनता के वो जननायक थे, जनता उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। नरसिम्हा रेड्डी को जीवित या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को मोटी रकम इनाम के रूप दी जाने की घोषणा करवाई गई, ताकि जनता में प्रलोभन को जगाया जा सके। लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। कलेक्टर कॉकरीन को ये कार्य सौंपा गया, उसने बदला लेने की ठानी। उसने कैप्टन नार्टन से मिलकर नोसोमू किले पर आक्रमण कर दिया। किले को बारूद से उड़ा दिया गया, किले की एक एक ईंट ढहा दी गई। किले को तोड़ने का अर्थ नरसिम्हा रेड्डी के मनोबल को तोड़ना था, लेकिन उससे पहले ही नरसिम्हा रेड्डी को अपने विश्वस्त गुप्तचरों से सूचना आ गई थी। उन्होंने अपना ठिकाना नल्ला मल्ला के जंगलों में निर्मित एक गुप्त किले में बदल लिया था। नोसोमू किले का टूटकर बिखर जाना नरसिम्हा के लिए एक दुखद घटना तो अवश्य थी, परंतु उस महान वीर आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने के लिए ही तो अग्रसर हुआ था, आगे आया था। ऐसे लोगों को अपनी जान क्या जरा भी मोह नहीं होता। उनको पता है कि कभी भी किसी भी समय इस कार्य के लिए हमारा बलिदान हो सकता है। शुरू से लेकर अभी तक पार्ट दो में जो मैंने आपके सामने रखा, लगातार अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए, अपने शौर्य का और अपने हिम्मत का और परिचय देते हुए, प्रदर्शन करते हुए, आंधी की तरह आना, तूफान की तरह चले जाना और अपनी तलवार को हवा में तैराते हुए दुश्मन के ऊपर वार करती हुई तलवार जा रही है और उसके दो टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा साहसी विलक्षण वीर क्रांतिकारी देशभक्त और भारत माँ की स्वतंत्रता का संकल्प लेकर फिरंगियों को बाहर भगाने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको सशस्त्र चुनौती देने की हिम्मत जुटाने वाला नरसिम्हा रेड्डी, हमने देखा किस प्रकार से वो कहाँ तक अभी पहुँचे हैं। लेकिन इनके लिए तीसरा एपिसोड भी लेना पड़ेगा। नरसिम्हा रेड्डी अपने तीसरे एपिसोड में और क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए हम तीसरा एपिसोड जो कल ही आपके पास आ जाएगा, इसको देखिए और कैसे विलक्षण लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है, लेकिन उनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, उनको इतिहास में कहीं नहीं आने दिया गया। इन सब लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार।
जय भारत, धन्यवाद।